गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अभी यार फ्रेम से ही आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ फर्श पे बैठा हूँ बिल्डिंग के। तो क्या हो रहा है आजकल? सब बढ़िया? बढ़िया, ज़बरदस्त। तो देखो यार, कुछ बात करनी थी। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी डिलीवरी के बारे में, तो सीन ये हुआ कि उसमें मुझसे जो कमेंट्स थे ना, वो ऑफ हो गए थे। ठीक है, वो डिसेबल हो गया था, वो कमेंट्स जो है वो शो नहीं हो रहे थे। खैर, क्योंकि 2020 में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपग्रेड कर दी हैं, तो प्रॉब्लम होती है। एक अकाउंट बनाना, एक यूट्यूब चैनल बनाना बहुत इजी है, लेकिन उसको मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। उसको आप उसको कंट्रोल करना, वो जो है, अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं तो देन ओके। अब मुझे इसी के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मुझे नहीं पता चलता वो सब कुछ जो है वो इतना इंग्लिश में होता है, जो मुझे नहीं समझ, मुझे समझ में नहीं आता कि वो क्या लिखा होता है। मोस्टली क्या होता है कि मैं यूट्यूब पे जो चीज़ मुझे नहीं पता चलता, तो मैं यूट्यूब पे सर्च करके वो चीज़ देख लेता हूँ। लेकिन हर टाइम वहाँ पर भी आपको पता है, व्यूज़ के लिए लोग जो हैं वो सही नहीं करते हैं, कुछ गलत गाइड भी कर देते हैं। तो एटलीस्ट वहाँ मुझे एट द एंड मुझे पता चल गया था किस वजह से हुए थे। वो उनका एक होता है ना एज के बारे में, कि ये जो आप वीडियो बना रहे हैं वो बच्चे देख सकते हैं या नहीं। तो मेरा वहाँ पे क्लिक था, जिसकी वजह से मैंने यस का ऑप्शन पे क्लिक किया हुआ था कि हाँ, ये बच्चे वीडियो देख सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कॉमेंट्स जो हैं वो डिसेबल कर दिए, जो मैं काफ़ी ट्राई करता रहा कि ऑन हो जाए, लेकिन नहीं हुई मुझसे। फिर एट द एंड मैंने वो जो है, सॉरी, वो चिल्ड्रन वाला ऑन हुआ हुआ था, उसके बाद मैंने उसे ऑफ किया और फिर जाके जो है कमेंट्स जो है वो ऑन हो गए थे। ठीक है, ओके। एक और चीज़ है कि आज मेरी छुट्टी, तो मुझे एक मेल आई, क्योंकि मैंने मॉडलिंग में पहले ना अप्लाई किया हुआ था, तो मैं एक फॉर्म होता है UA मॉडलिंग का, तो मैंने वो फिल करके ना सबमिट किया हुआ था। तो मुझे पहले भी एक बार मेल आई थी, ऑडिशन देने गया था लेकिन सिलेक्ट नहीं हुआ। तो तकरीबन आज 3-4 माह हो गए होंगे तकरीबन। उसके बाद आज फिर मुझे एक मेल रिसीव हुई है, उसके बाद व्हाट्सएप पे उस आदमी से भी बात हुई है जो एक शॉर्ट फिल्म बना रहा है। तो उस सिलसिले में उसने मुझे कुछ डायलॉग्स वगैरह जो हैं वो सेंड किए थे, तो मैंने यहाँ पर लिखे हुए सर। तो वो उसके लिए वीडियो बना के उसको सेंड करनी है, ताकि वो देख ले, और उसके बाद उसने कहा था फाइनल हम करेंगे कि आप सिलेक्ट होते हैं या नहीं। तो उसने दो वीडियो सेंड की हैं, एक आर माधवन की है, वो तनुवेट्स मैनो रिटर्न जो है ना उसके डायलॉग से, और दूसरा KK मेमन की एक मूवी है उसके डायलॉग। एक मतलब थोड़ा सा सीरियस है, और जो दूसरा है KK मेमन वाला, वो थोड़ा मतलब गुस्से वाला है सीन, अभी क्या बोलते हैं, चलो छोड़ो। तो अभी वो करते हैं, मैंने कहा अभी बना लेते, एक वीडियो भी बना लेते हैं, एक कल काम पे जाके बना लेंगे। तो अभी टाइम हो चुका है मेरे ख्याल से, सुबह के 4 बज चुके हैं और मैं यहाँ अपनी बिल्डिंग में बैठा हूँ। ठीक है, ओके, टेक वन स्टार्ट करते हैं। आपको पता है तनुज, मैं 12 साल से लंदन में खेला था।
एक वीडियो तो बना ली है, बाकी एक वीडियो जो है वो हम कल बनाएंगे। वो मैं काम पे जाऊंगा ना, तो उसी यूनिफॉर्म में बनाएंगे। वो मैंने पहले भी उसे कह दिया था कि मैं डिलीवरी का काम करता हूँ, डिलीवरी में काम करता हूँ, तो मैं आपको एक वीडियो सिंपल कपड़ों में बना के सेंड करूँगा, और जो दूसरी वीडियो होगी वो मैं आपको यूनिफॉर्म में। यार वीडियो इसलिए यहाँ पर बनानी थी, यहाँ पर लाइटिंग वगैरह ठीक है, वहाँ पर बैठ रहे हैं वहाँ पर सही बनी नहीं है, वो पता नहीं सिलेक्ट भी करते हैं कि नहीं। खैर ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें फॉर्म वगैरह जो है वो किस तरह फिल करते हैं, तो वो कल बनाएंगे। अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैंने जाके अभी सोना है, कल काम पे भी जाना है ना, तो और क्या कहना था आपको। हाँ ठीक है, कल मिलते हैं फिर। हाँ। ओके सो सुबह हो गई है, बल्कि दोपहर हो गई है, 2 हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं काम पे। एक वीडियो कल बना ली थी, दूसरी वो मैंने सेंड कर दी थी उन्हें, और वो कह रहे थे ठीक है, जब प्लान हुआ तो हम आपको कॉल करेंगे। खैर देखते हैं अब कॉल करते भी हैं कि नहीं। तो बस ठीक है, अभी काम पे चलते हैं, काम का टाइम हो गया, ड्यूटी पे पहुंचना है, उसके बाद देखते हैं, वेट करते हैं क्या बनता है। अगर हुआ तो फिर मैं अपडेट करूँगा। Thank you.